हेलो दोस्तों, तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आपके बाइक का यूएस का वीज़ा अप्रूव हो चुका है। तो चलो, आपको आपको अभी विचार करते हैं यूएस का कैसे लगेगा, मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, तो ये चीज़ें पूरी यहाँ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप तालियां बजाइए आपका बाइक का यूएस का वीज़ा। बात करते हैं यूएस के वीज़ा के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि भाई आपको DS-160 भरना है, वो आपको मतलब यूट्यूब पे बतेरे वीडियो भरे पड़े हैं, तो आप वहाँ से कोई भी ढंग का वीडियो देख लेना, DS-160 कैसे भरना है आपको मालूम चल जाएगा। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं एक आपको एक प्रैक्टिकल डिटेल वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो मैंने अपना DS-160 भरा और मेरी डेट, दो डेट मिलती है यहाँ पे, एक बायोमेट्रिक के लिए और एक काउंसलर इंटरव्यू के लिए, तो दो डेट मुझे मिल गया। मेरी डेट थी नवंबर, आई थिंक, हाँ 3 नवंबर की मेरी डेट थी दिल्ली VFS बायोमेट्रिक के लिए। टाइम था मेरा 2 बजे का, और 5 तारीख को दिल्ली काउंसलर जो एम्बेसी है, US एम्बेसी, वहाँ मेरा काउंसलर इंटरव्यू था, उसका टाइम था मेरा 10 साढ़े 10 बजे का। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले बायोमेट्रिक की, मतलब 3 नवंबर 2024, टाइम 2 बजे। तो भाई वही VFS, आज तक मैं 100 बार गया हूँ, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन उस दिन नया ये था कि उस दिन संडे था और संडे को भी VFS में काम चालू था, और वो भी स्पेशली US एम्बेसी, या जो US का जो आपका बायोमेट्रिक था, सिर्फ वो सेक्शन आपका चालू था। तो भाई सिंपल से कंसेप्ट क्लियर है, आपको VFS जाना है शिवाजी स्टेडियम के बेसमेंट में, वहाँ पहुँच जाओ। मेरा 2 बजे का बायोमेट्रिक था तो मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गया था। वहाँ आपको सिर्फ आपका DS-160 कन्फर्मेशन चाहिए, आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन चाहिए, और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, इसके अलावा आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई आपको फाइल और किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट की आपको वहाँ नीड नहीं है। बस आप कोशिश करो कि आपके पास में कोई भी डिजिटल आइटम, जैसे कि पेन ड्राइव, पावर बैंक, USB ड्राइव, स्मार्ट वॉच, घड़ी, जो भी स्मार्ट घड़ी या जो भी है, या आपका पास कोई भी टाइप का मोबाइल फ़ोन हो, ये लोग अलाउ नहीं करेंगे। आप अलाउ मतलब अलाउ का मतलब है कि आप अंदर जा सकते हो VFS के अंदर तक, लेकिन जैसे ही आप मतलब बायोमेट्रिक के लिए अंदर जाओगे, आपको वहाँ रोक लेंगे। वहाँ आपको लॉकर्स लेने पड़ेंगे, लॉकर्स महंगे हैं, 100 या 200 रुपये, वो मतलब वन टाइम चार्ज करते हैं, सर घंटे भर का सब कुछ है। तो मैं भी, मेरे पास में एक्चुअली मेरे पास कुछ रखने का था नहीं, और गलती से मैं वहाँ मोबाइल अपना ले गया था, घड़ी वगैरह मैं खोल के गया था, लेकिन मोबाइल मेरे पर्स में, मेरे पॉकेट में रह गया था। वहाँ पहुँचा, चेकिंग वेकिंग करी, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं मेरे को, तो यार वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वहाँ आप जाओगे, लंबी लाइन लगी हुई है बायोमेट्रिक के लिए, तो वहाँ आपको उसके नाम में वो बोल देता है कि भाई आपका बस डिवाइस है, दूसरा वहाँ पंगा क्या है, जैसे अगर आपके पास मोबाइल वगैरह मान लो कुछ निकल गया, तो आपको फिर रखाना पड़ेगा, फिर वो दोबारा से आपको एकदम पीछे से मतलब आपको शुरू करेंगे, फिर दोबारा लाइन लग के आओ। तो इससे बेटर आप अवॉइड करो मोबाइल, और मोबाइल अगर है, कोई रहने का जुगाड़ नहीं है, बैग वगैरह है, तो आप लॉकर्स फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हो, देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, अपना वहाँ रखा वखा बस आराम से। और नंबर है, आप बहुत भीड़ थी, बहुत साला आधा डिप्रेशन तो बंदा वहीं देखो जाता है, इतनी लंबी भीड़ ऐसे करके, तो वहीं मतलब टेंशन में जाता है बंदा, क्या आपको टेंशन नहीं लेने का है। तो मतलब मैं वहाँ गया, डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक किए, और वहाँ से छोटी छोटी विंडोज़ बनी हुई हैं, वहाँ आपको वो लोग अंदर बुलाते हैं और आपका पूरा फॉर्म चेक करेंगे, और आपसे एक उन्होंने एक लेमिनेट कर रखा था कुछ पेपर सा, वो कई बार रीड करवा रहे थे, कहीं उसे रीड करवाया, मेरे से उन्होंने रीड नहीं करवाया, कहीं उसे रीड करवाया, और ऐसे वो कैमरा देखते हैं अपना। अब मैं ऐसे कुछ नहीं बोला उन्होंने, मेरा सिंपल सा उन्होंने थंब इंप्रेशन लिया, फ़ोटो खींचा, और मुझे गुड लक बोला मैंने काउंसलर इंटरव्यू के लिए। और तो पूरा प्रोसेस, मुझे भीड़ काफ़ी थी, तो मुझे करीब 2 घंटे, तो बस उस दिन मेरा यही हुआ, बायोमेट्रिक हुआ, मैं घर आ गया आराम से, खाया पिया सो गया, तो बायोमेट्रिक तो हो गया आराम से, कोई दिक्कत आई नहीं। अब 5 तारीख को मेरा मतलब 5 नवंबर 2024 सुबह 7:30 बजे था मेरा काउंसलर इंटरव्यू। तो भाई उस दिन यार फुल टू दिमाग ख़राब, टेंशन, रात को नींद भी नहीं आई, हालांकि बहुत तैयारी
करके गया था। तो भाई अब देखो यहाँ टिप ये है कि आप आराम से घंटा 1.5 घंटा पहले पहुँच जाओ। घंटा पर इनफ है, क्योंकि बहुत जल्दी जाओगे तो वहाँ आपको अलाउ नहीं करने वाले। वहाँ जाके आप नर्वस ही होंगे, उन लोगों को देखा वहाँ रट्टा मार रहे थे और मैं तो परेशान हो रखे थे, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 घंटा 1.25 घंटा घंटा पर पहले जाओ एम्बेसी के मतलब बाहर साइड में, ऐसे पार्किंग सा ऐसे कुछ बना रखा है वहाँ पे, उन्होंने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, वहाँ जाके आप खड़े हो जाओ। वो मतलब करीब आधा 1.25 घंटा पहले आपको अनाउंस शुरू कर देंगे, इतने बजे वाला बैच से इतने बजे वाले बैच तक आप अंदर आ जाओ, तो आप मतलब अंदर जानते रहना। तो मैं भी वहाँ मतलब 10 बजे था, तो मैं 8:15 वहाँ पहुँच गया था। हालांकि वहाँ मैं परेशान ही हुआ, वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई, ना तो कुछ ऐसा कुछ पढ़ने लायक था नहीं, क्या पढ़ूँ यार बच्चे, मुझे अपने बारे में बताना है तो उसमें क्या पढ़ूँ मैं, तो वो भी था। वहाँ लोग हैरान परेशान घूम रहे थे, कुछ तो भाई टाई वाई लगा हुआ जैसे कोई लड़की का रिश्ता करवाने आए हुए, नौकरी मांगने आए हो, टाई वाई सूट पहन के। कुछ भाई, कुछ मैडम मोहतरमा थी जिन्होंने रूस राज लगा के पिंक पिंक होट लाली लाली पोत के रखी थी, भाई पूछो मत क्या क्या ड्रामा बन के रखे थे। अपनों ने अपना सिर्फ फॉर्मल शर्ट पैंट और मेरे पास जो शूज़ हैं, मैं शूज़ पहन के गया था, सब लोगों को ताम झाम मेरे पास था नहीं, एक फाइल थी जिसमें मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे वो लेके मैं वहाँ गया था। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे भी आपको देखो DS-160 कंफर्मेशन, आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, आपका आपके सारे पुराने पासपोर्ट, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा भाई आपकी किस्मत पे है कि भी आप जो डॉक्यूमेंट रखना चाहो आप रख सकते हो, आप इतनी बड़ी फाइल बनाओ इतनी बड़ी बनाओ इतनी बड़ी बनाओ, आपकी इच्छा पे है। बट मोस्ट ऑफ केस में 90-95% केस में, 99% केस के अंदर वो आपसे ये डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगते, ठीक है। तो मैं भी जो मेरे पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे मेरा फाइनेंशियल प्रूफ, मेरे होम कंट्रीज, मेरे टाइज, मेरी एजुकेशन, मेरे GST पेपर्स, सब जो भी थे सब कुछ मैं लेके गया था। इतनी बड़ी फाइल मेरे पास में भी थी, टू बी वेरी फ्रेंक, मेरे 3 पासपोर्ट, DS-160 अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन, इसके अलावा मेरे पास में कुछ भी नहीं था वहाँ पे। घड़ी, अगेन घड़ी। अच्छा, दूसरा देखो, VFS के अंदर आपके पास में पेड लॉकर की सुविधा है, लेकिन भाई US Embassy के पास में आपके पास में कुछ भी नहीं मिलने वाला। वहाँ गार्ड आके अनाउंस करता रहेगा, भैया आप अपनी व्यवस्था खुद करो, एम्बेसी कोई ज़िम्मेदार नहीं है। अब वहाँ पे क्या है, टैक्सी वालों ने धंधा खोल रखा है कि वो एक फ़ोन का 2,000, 1,500, 3,000 रुपये तक भी मांगते हैं, और आपके पास में कोई चांस नहीं है। अगर आप अकेले हो तो आपको देना पड़ेगा, तो बेटर है भैया 2-3 घंटे की बात है, आराम से फ़ोन आप होटल पे या किसी नोन के पास रख के आओ, टेंशन फ्री हो क्या वहाँ आओ, ठीक है। खैर, नकम्मा टॉपिक। तो मैं वहाँ पहुँच गया 10 बजे, 10:30 टाइम था, 9 बजे या 9:30 बजे के आसपास अनाउंसमेंट हो गया कि वे 10 से 10:30 के बीच में जिनका अपॉइंटमेंट है वो आ जाए। तो रोड क्रॉस करके आप सामने जाओगे, 3 शेड्स बने हुए हैं और आपको वहाँ दिख जाएगा बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, कई सिक्योरिटी गार्ड्स अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप जाओगे मेटल डिटेक्टर से, आप जाएँ, आपको निकलना है। उसके बाद अगेन जैसे इंडिया में अपना एक कल्चर है कि भाई मेटल डिटेक्टर से भी निकलने के बाद भी वो बैंड वाला आपको हाथ लगा लगा के चेक करेगा, मशीन भरोसा नहीं है उनको, तो भाई वो आपको फिर थोड़ा चेक करेगा, जैसे कि एयरपोर्ट पे है, आपको सारे सामान आपको निकाल के बाहर ट्रे में परोस देने हैं, और उसके बाद आप लाइन में लग जाओगे, झिकझक लाइन बनी हुई है। उसके बाद एक ऑफिसर वाले पुल के बैठा हुआ है, वो आपका जो कंफर्म है कंफर्मेशन देख के आप उसको टिक कर देगा, टैप करने के भी आप हो। इसके बाद आप वो अंदर छोड़ देंगे, वो थोड़ी दूर जाने बाद में बड़ा सा हॉल आएगा, वो एक्चुअली एम्बेसी एरिया अंदर से है, ठीक है। आप अंदर निकल जाओ, मत जाके आपको लेफ्ट टर्न मोड़ना है, अंदर निकल जाओगे आप, वो एक्चुअली बड़ा बहुत बड़ा हॉल आ जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे भी जाते हो आपको बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, दिख जाएगी मतलब, और वहाँ से वो आपका पासपोर्ट आपसे कलेक्ट कर लेंगे, और वहाँ भी कई मतलब 25-26 विंडो छोटी छोटी बनी हुई हैं, और कुछ के अंदर इंटरव्यू चल रहे होते हैं, कुछ के अंदर आपका आपका जो आपका वेरिफिकेशन चल रहा होता है। तो जैसे हम गए तो हमारे सबके पासपोर्ट उन्होंने इकट्ठा कर लिए और बोला 8 नंबर लाइन पर आप लग जाओ, हम लग गए वहाँ पे। वहाँ पे कोई ब्लैक अमेरिकन बैठा हुआ था। अच्छा, वहाँ यार मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, अब मतलब पता नहीं क्या है, कयों से वो लोग वहाँ पे राइट साइड का थंब ले रहे थे, कयों से वो लेफ्ट साइड का थंब वहाँ स्कैन करवा रहे थे, मतलब वो अंदर से जो ब्लैक अमेरिकन था वो खुद बोल रहा था पुट योर राइट थंब पुट योर लेफ्ट थंब, वैसे मेरे से उन्होंने राइट थंब वहाँ पे उन्होंने स्कैन करवाया था, और उन्होंने मुझे मेरा हुआ पासपोर्ट उन्होंने मुझे दे दिया। उसके बाद अब एक्चुअली जाके आपको जो इंटरव्यू का जो सेक्शन है ना
आप वहाँ पहुँचते हो और आपको वहाँ लगाना होता है। तो मतलब आप जैसे अंदर घुसोगे, अगर वो जग जग मंदिर वाली लाइन बनी हुई है सब सारी, और सामने 10-12 विंडोज़ है, तो और जनरली एक के बाद तीन बंदे ही, मतलब आपसे आगे जनरली दो बंदे ही खड़े होते हैं, तीसरा आप ही होते हो, मतलब वैसा ही सिस्टम है वहाँ पे। तो आप मतलब स्पीकर से मतलब अच्छी आवाज़ आती है, आप सुन सकते हो कि मतलब वो काउंसिल क्या, अंदर वाला वो बंदा क्या पूछ रहा है, जो वीज़ा ऑफिसर क्या पूछ रहा है, और ये बंदा क्या रिप्लाई दे रहा है। तो मतलब एक अच्छा मोटा मोटी आपको एक आइडिया लग जाता है क्या चल रहा है। तो मेरा मेरा था शायद 12 नंबर विंडो थी उस दिन, और वहाँ पे जो बंदा था लगभग 45-48 ईयर्स का था, नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब बड़ा अजीब सा, मतलब टाइट नेचर वाला, बिना स्माइल, लेकिन बिना किसी एक्सप्रेशन के सड़ा हुआ बैठा हुआ था बंदा, और वो इंटरव्यू ले रहा था, और बहुत जल्दी जल्दी मतलब वो भगा रहा था। मतलब मेरे से आगे दो बंदे थे, उसके बाद थर्ड बंदा मेरा था, और मेरे साथ में जो मैं जब मैंने बायोमेट्रिक दिया था, तो काफ़ी लोग भी जब मिले थे, तो लगभग लगभग सभी का रिजेक्शन मतलब आ रहा था। और अच्छा हाँ है ना, जैसे आपने अपना अपना वो क्लियर करवाया, चेकिंग क्लियर करवाई, उसके बाद वो दूसरा बंदा टिक करेगा, उसके बाद वो आपको आगे एक हॉल में उठा देंगे, उसके बाद एक हॉल में उठा देंगे, हॉल में आपके ऐसे 5 चेयर्स लाइन बनी हुई है, पूरी लंबी में चेयर्स लगी हुई है, आपको वहाँ बैठना होता है, और वहाँ से फिर एक एक चेयर, एक एक पूरी रो को, जो चेयर वाली रो को, उसको रवाना करते रहते हैं। ठीक है, वहाँ अंदर कॉफ़ी, बाथरूम की सुविधा भी है, कॉफ़ी मशीन वगैरह लगी हुई है, मतलब यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, लेकिन चाय वगैरह सब आपको मिलती है और रिलैक्स हो सकती हो। तो शायद मुझे वहाँ आधा घंटा हमें वहाँ बैठना पड़ा था। तो उस दिन रिजेक्शन बहुत ज़्यादा था, रिजेक्शन अच्छा रिजेक्शन देखा मैंने, और जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इन लॉज जो अपने बच्चों से मिलने जा रहे थे, उनका रिजेक्शन बहुत ज़्यादा था उस दिन। मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत था, वो सारे मुँह लटका आ रहे थे, और भाई जो सूट बूट में वो मुँह लाल पीले पोत के आए हुए थे ना, सब रोते हुए निकले, सब रोते हुए देखे, और जो बंदे मैं ठीक कूल से आए थे, तो वो हंसते हंसते आए थे, और उस दिन F1 वीज़ा वाले का रिजेक्शन बहुत ज़्यादा था। तो भाई मैं तो उसे टेंशन बता, मैं कि यार इनका आ रहा तो भाई मेरे पास तो क्या है, तो रिजेक्शन लगेगा। फिर मैंने चला गया अंदर, चक लाइन में लग गया, 12 नंबर विंडो थी। अब मेरे साथ दो बंदे थे, एक कोई शायद बिजनेस वीज़ा पे, B1 वीज़ा पे जा रहा था, तो काफ़ी अच्छा बताया उसने, काफ़ी देर से लंबा भी इंटरव्यू, बहुत लंबा भी चला, शायद 4-5 मिनट का इंटरव्यू चला। मुझे लगा इसका तो हो जाएगा, क्योंकि मतलब बिजनेस क्लास बंदा था। एंड में उसने कौशल ने बोला ओके गुड लक, तो कहते ही वो बंदा हो गया खुश पूरा, मतलब मस्त खुश हो गया। और उसके साथ में बाद में कौशल ने उसको पेपर पकड़ाया, पासवर्ड देकर बोला सॉरी, तो बच्चे बंदे का जगह मुंह तो उतर गया मेरे यार। इसके बाद एक बंदा था जो मेडिकल स्टूडेंट था, उसका लग गया था, उसका लग गया था, मतलब अच्छा बोला, उसे स्टडी पे जा रहा था, उसका लग गया था। मेरे पास में इधर दो विंडो थी, उनमें भी धड़ाधड़ रिजेक्शन आ रहा था, और तो भाई ऑफिस लास्ट मेरा नंबर था, मैं कह यार अब लगेगा लगेगा, देखते हैं, अब तो ऑप्शन तो है नहीं, पैसे भर रखा है, यहाँ पहुँच चुका हूँ तो दूसरा क्या करता। गया तो भाई, कई लोग कहते हैं ना फुल कॉन्फिडेंस रखो, आँखों में आँखें घुसा के, यूँ यूँ यूँ, भाई सब फेल है, कुछ भी नहीं है। वो बंदा आपको एक बार ही दिखेगा, और वो भी 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, मिसाल तो आप कुछ भी पहन कर जाओ, घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो आपसे जब पासवर्ड मांगेगा ना, वो आपको तभी 2 सेकंड या 3 सेकंड से बाद में देखता ही नहीं है वो, बाद में आपको तब दिखाएगा जब वो यस और नो बोलेगा, आँखों में आँखें डालो, यो यो यो, भाई मतलब कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आपको कॉन्फिडेंट होना है बिल्कुल, आपका आवाज़ में दम होना चाहिए, लेकिन आँखों में आँखें डालो भाई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो मैं भी पहुँचा वहाँ पे, मैंने भी आँखों में आँखें डाली, उस साल दिखा ही नहीं मेरे को, ठीक है। पर जब पासपोर्ट लिया उसने, मैं जाते मैंने उसको ग्रीट किया, मैं कहा हेलो गुड मॉर्निंग ऑफिसर, भाई कोई जवाब नहीं आया। वो क्या, मैंने वीडियो देख रखे थे, मुझे पता था ये बोलते नहीं है, कोई जवाब नहीं आया। उसने मुझे पासपोर्ट मांगा, मेरा पासपोर्ट, मैंने तीन दो पासपोर्ट तीन पासपोर्ट हैं, मैंने तीनों पकड़ाए, उसने दो मुझे वापस कर दिए, यू रिसेंट वन, बड़ा मतलब रूड सा, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको लेटर ऑफ इंटेंट दिया, तो बोला आई जस्ट आस्क गिव मी योर पासपोर्ट प्लीज़, ठीक है भाई। उसने लेटर ऑफ इंटेंट मुझे वापस पकड़ा दिया, ठीक है भाई क्या करता। और इतना फाइल का बुरंदा मैंने अपने छाते से चिपका रखा था, और उसने मेरा पासपोर्ट 10 सेकेंड 12 सेकेंड उसने, मतलब उसने मुझे एक बार ही देखा, 2-3 सेकंड के लिए जब उसने पासपोर्ट लिया था, उस टाइम में आई कॉन्टेक्ट हुआ था हमारा, उसके बाद उसने मुझे नहीं देखा, ठीक है।
उसके बाद उसने मेरे शायद DS60 खोला, क्योंकि उसे चश्मे में उसे रिफ्लेक्शन में चल रहा था कि कुछ स्क्रॉल कर रहा है। तो उसने मैं DS60 खोला, उसने पहला क्वेश्चन छोड़ते हुए बोला पर्पज़ ऑफ योर ट्रैवल, क्योंकि मैं रट्टा मार के गया था, पैसा मैंने उल्टी कर दी, ये देखूंगा वो देखूंगा, बचपन का सपना है मरने से पहले साला ये देखना है वो देखना है, उसको हंसी आ गई। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मतलब ठीक है, अब वहाँ क्या होता है, जैसे आप बोल रहे हो ना तो वो बंदा इतना फास्ट स्पीड में टाइप कर रहा है कि आप बोल रहे हो, वो आपको दिखेगा नहीं, वो उसकी जो नज़र है आप स्क्रीन पे है, ठीक है, और वो धड़ाधड़ टाइप कर रहा है जो आप बोल रहे हो, और अगर लकी लिए अगर चश्मा पहन रखा है, वो स्पेक्स पहन रखा है, तो वो नज़र आता है कि वो कुछ स्क्रॉल कर रहा है, कुछ देख रहा है। ठीक है, और उसने मेरा पासपोर्ट का मतलब खोल कर देखा, उसने दहली कर रहा। सेकेंड क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा कि व्हाट्स योर एनुअल इनकम, तो वो मैंने उसको बता दी कभी इनकम टैक्सेबल ये है नॉन टैक्सेबल ये है, टोटल ये इतनी आती है, बस दैट्स इट। उसके बाद फिर बोला अच्छा हाँ, तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा व्हाट्स योर ट्रेवल स्टाइल, तो अब ये क्वेश्चन तो एंड कर रखा था, पता भी था वो ट्रेवल स्टाइल, तो मतलब अब ट्रेवल से मतलब क्या, मैं कैसे घूमता हूँ जनरली यही हुआ ना, तो मैं बोला भाई यूट्यूबर हूँ बजट ट्रेवलर हूँ, ऐसे ऐसे घूमता ऐसे ऐसे घूमता ऐसे ऐसे बता दिया मैंने उसको, यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा यहाँ से यहाँ जाऊँगा, तो बोला ओह अच्छा गुड होमवर्क, तो अब साला यही किस्मत दगा दे गई, यहाँ मेरे मुँह से निकल गया कि हाँ मैं कह यार एक ट्रेवलर को इतना तो महसूस होना चाहिए ना कि यहाँ से वहाँ वो बंदा कैसे जाएगा। तो उसने मुझे तब देखा, उस बोला या कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है, ओ भाई साहब। उसके बाद उस बंदे के सुर बदल गए, उस बंदे ने खोदना शुरू किया, दो तीन क्वेश्चन तो नॉर्मल चल रहा था कि भाई व्हाट्स पर्पज ऑफ ट्रैवल, योर एनुअल एनुअल इनकम और ट्रेवल स्टाइल। उसके बाद जो बंदे मेरे मुँह से निकल गया ना कि भाई कितना कॉमन सेंस बंदे में होना चाहिए कि यार बंदा जा रहा है तो क्या दूरी है कैसे जाएगा कैसे, ऐसे उसको फील हो गया वैसा। उसके बाद वहाँ उसके क्वेश्चनों की जो बौछार शुरू हुई ना, आप कहाँ जाओगे, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से आप कहाँ जाओगे, मेरे मेरे होटल हाई न्यूयॉर्क सिटी होटल है मेरा, कितनी डिस्टेंस है, कैसे जाओगे, मेरे मेट्रो से, मेट्रो का फेयर कितना है, $9.20 कुछ ऐसा कुछ मैंने रेट रखा था, पे कैसे करोगे, ओमनी कार्ड से, ओमनी कार्ड कितने का आता है, वैलिडिटी क्या होती है, मैं कह भाई क्या चाहता है तू जा रहा है, मैं बोला कॉमन सेंस। तो भाई उसने खोदा, अच्छा खोदा, मुझे 5-7 मिनट उसने मुझे अच्छा सा पूछा, लेकिन मुझे लग गया था कि मैं यार ये मैं मना करेगा मेरे को क्या। फाइनली से मुझे फिर से मुझे पूछा कि एटनरी में कहाँ कहाँ जाओगे, आप मुझे एक्सप्लेन करो। तो मैं बोल ही रहा था, मैंने शायद उसको Day 2 तक ही पहुँचा था मैं, उसने बोला ओके वीज़ा अप्रूव, योर पासपोर्ट यू विल गेट योर पासपोर्ट 7 डेज, क्योंकि मुझे बोला नाउ गो। तो मतलब मैं इतना शॉक गया, मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया, मैंने उसको दोबारा पूछा, मैं कहा अप्रूव्ड, या योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड यू कैन गो, मैं कहा अप्रूव्ड मीन्स ग्रांट। तो उसको हंसी आ गई, बोला हियर जेंटलमैन योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, आई एम अप्रूविंग माई वीज़ा, यू विल गेट योर वीज़ा विद इन 7 डेज, नाउ गो। ठीक है भाई, तो मैं लाइन से निकल के बाहर आ गया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया था, लेकिन जैसे कि लोग बोलते ना उसके बाद ये करवाया मेरे से, लेकिन भाई मेरे से उन्होंने वहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं लिए अप्रूव होने के बाद में, बोला आप जाओ। मैं बाहर आ गया, वहाँ पे कोई इंडियन लेडी खड़ी हुई थी, लेडी मतलब जो आपके जो असिस्टेंस जो बोल सकते हैं उसका, जो आप वहाँ पे आपको असिस्ट करती है, उनसे मैंने पूछा कि भाई ऐसी सी बात है मेरा अप्रूव हो चुका है अब क्या करना है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप घर जाओ, आपका जो फ़ोन नंबर आपने वहाँ दे रखा है, जो ईमेल दे रखा है उस पर आपको जो मैसेज आ जाएगा। ये करके मैं मतलब बाहर आ गया और ऑटो करके मैं घर में आ गया। घर के आधे आने बाद मुझे याद आया कि मैंने वीज़ा फीस तो पे ही नहीं करी वहाँ पे, है ना, तो कैसे भेजेंगे। तो मैं फिर दोबारा गया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि नहीं वीज़ा फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है, आपको जो वीज़ा आएगा, आपका जो पासपोर्ट सबमिट है जो आपको भेजेंगे आपको, तो आपको वो VFS वाले मतलब VFS का मतलब जो यही आप भेजते हैं अपने ब्लू डार्ट से भेजते हैं, तो ब्लू डार्ट वाले आपसे 890 या 840 कुछ करके है इनका, वो ले लेंगे। तो भाई देखो 5 तारीख को मेरा व्यू और एग्जैक्ट तीसरे दिन मेरे पास में मेरा पासपोर्ट हाथ में आ गया। 10 ईयर्स की मल्टीपल एंट्री ये मुझे मिली है, आपको ये लगा दूंगा वीज़ा, आप दे सकते हैं। तो भाई ये था पूरा मेरा एकदम ओरिजिनल अनकट इंटरव्यू एक्सपीरियंस प्लस मेरे बायोमेट्रिक एक्सपीरियंस। अब इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी हो तो मुझे बताइएगा। जय हिंद।